नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 9 वर्सेस Poco M4 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme 9 में 6.31 इंच जबकि M4 Pro 5G में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Realme 9 में 2.89 इंच जबकि M4 Pro 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Realme 9 में 0.31 इंच जबकि M4 Pro 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Realme 9 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme 9 में 178 ग्राम जबकि M4 Pro 5G में 195 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Realme 9 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Realme 9 में सुपर AMOLED जबकि M4 Pro 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme 9 में 6.4 इंचेस जबकि M4 Pro 5G में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme 9 में 84.21% जबकि M4 Pro 5G में 84.81% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme 9 में 411 पिक्सल प्रति इंच जबकि M4 Pro 5G में 399 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme 9 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और M4 Pro 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Realme 9 में Adreno 610 जबकि M4 Pro 5G में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme 9 में Qualcomm Snapdragon 680 और M4 Pro 5G में MediaTek Dimensity 810 MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो Realme 9 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि M4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Realme 9 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि M4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Realme 9 में अप टू 256GB जबकि M4 Pro 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Realme 9 में Android V12 जबकि M4 Pro 5G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme 9 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें M4 Pro 5G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme 9 में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Poco M4 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Realme 9 आगे है, मेन कैमरा में Realme 9 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y75 5G है, दूसरा Oppo Z5 5G है, तीसरा Realme 9 Pro Plus 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A33 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।